हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है राजस्थान की स्थलीय सीमा का। देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान है ये, देखिए कुल कितने किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल स्थलीय सीमा देखिए राजस्थान 5920 किलोमीटर की बनाता है, ठीक है। और इस सीमा को देखिए दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग तो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, यानी एक भाग तो देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो जाएगा, और दूसरे भाग की बात करें तो वो भाग हो जाएगा आपका अंतर्राज्य सीमा का, ठीक है। अंतर्राज्य सीमा की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान देखिए आपके सामने 1070 किलोमीटर की, यानी 1070 किलोमीटर की देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जबकि अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो अंतर्राज्य सीमा है ये 4850 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देखिए 1070 किलोमीटर की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और 4850 किलोमीटर की बात करें तो वो आपके सामने अंतर्राज्य सीमा बनाता है। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के देखिए आपके सामने 25 जिले, राजस्थान के 25 जिले, ये 25 जिले आपके सामने देखिए स्थलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के आपके सामने देखिए 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जबकि अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो अंतर्राज्य सीमा यानी राजस्थान है, इस राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो आपके सामने अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। 23 जिले अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 25 जिलों की बात करें तो वो आपके सामने स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो राजस्थान देखिए आपके सामने 5 राज्यों के साथ, यानी 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और उन 5 राज्यों की बात करें तो देखिए सबसे पहला राज्य है आपका पंजाब, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब के बाद में दूसरे राज्य की बात करें तो वो राज्य है आपका देखिए हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर है आपके सामने यूपी का, और यूपी के बाद में चौथे नंबर की बात करें तो वो राज्य आ जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में पांचवें राज्य की बात करें तो वो राज्य कौन सा आ जाएगा? गुजरात। यानी राजस्थान है ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ और गुजरात के साथ, इन 5 राज्यों के साथ देखिए अंतर्राज्य सीमा बनाता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ तो देखिए राजस्थान है वो 89 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है, जो राजस्थान देखिए पंजाब के साथ में सबसे कम अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ राजस्थान है ये 1262 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है, और यदि यूपी की बात करें तो यूपी के साथ राजस्थान है वो 877 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है। जबकि एमपी की बात करें तो एमपी के साथ यानी राजस्थान है ये 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है, और ये राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ यानी सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ में देखिए कितने किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है, तो याद रखेंगे कि राजस्थान है ये गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाता है, ठीक है। यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए आपके सामने वर्तमान में 33 जिले, इन 33 जिलों में से देखा जाए तो 25 जिले हैं ये तो आपके सामने स्थलीय सीमा बना रहे हैं, उसमें 4 जिले आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, और आपके सामने 23 जिले वो अंतर्राज्य सीमा बना रहे हैं। लेकिन राजस्थान के देखिए 8 ऐसे जिले हैं जो न तो आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही आपके सामने अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। इन सारे जिलों की अगर अपन स्थिति देखें तो देखिए कौन सा जिला किसके साथ किस प्रकार से सीमा बनाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो यहां से देखिए आपके सामने ये है राजस्थान,
ठीक है। अगर इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए कौन सा जिला किसके साथ सीमा का निर्धारण करता है, कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कौन सा जिला अंतर्राज्य सीमा बनाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से है ये आपके सामने राजस्थान, और इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की देखिए इधर उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर तो आपके सामने कौन सा देश आ जाएगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान से इधर देखिए तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा राज्य आ जाएगा, गुजरात। और गुजरात से इधर बात करें तो यहाँ पर राज्य कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से इधर बात करें तो नाम आ जाएगा यूपी का। और यूपी से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर राज्य आपका कौन सा आ जाएगा, हरियाणा। और हरियाणा से इधर बात करें तो कौन सा राज्य आ जाएगा, पंजाब। यानी यहाँ से पंजाब राज्य से लेकर के देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये पांच राज्य हैं ये राजस्थान के साथ यानी अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। और ये 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर राजस्थान, तो राजस्थान का देखिए सबसे पहले यहाँ पर जिला आता है आपके सामने बाड़मेर। ठीक है, सबसे पहला जिला कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में देखिए दूसरे जिले की बात करें तो वो जिला कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में तीसरे जिले की बात करें तो वो जिला आपका देखिए कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में बात करें तो यहाँ पर जिला आ जाएगा आपका गंगानगर। ठीक है, यानी ये राजस्थान की देखिए आपके सामने चार जिले हैं, सबसे पहले गंगानगर, गंगानगर के बाद में आ जाएगा आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपका जिला आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में जिला आ जाएगा आपका बाड़मेर। ये राजस्थान के देखिए चार जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो याद रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 1,070 किलोमीटर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती है। लेकिन यहाँ से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इस सीमा रेखा को कहा जाता है आपके सामने देखिए रेडक्लिफ रेखा। यानी रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये रेडक्लिफ रेखा देखिए आपके सामने भारत और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य बनती है। लेकिन अगर राजस्थान और पाकिस्तान की बात करें तो इन दोनों के मध्य भी देखिए आपके सामने ये रेडक्लिफ रेखा बन जाती है। लेकिन इस रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो निर्धारण देखिए कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1947 में इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण है वो किया गया। और इसका निर्धारण करने वाला व्यक्ति था सर रेडक्लिफ, यानी सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण है वो कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ से यदि राजस्थान के इन चारों जिलों की बात करें तो चारों जिलों को आप एक ही सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं, और वो सूत्र है आपके सामने देखिए बींग बाजे। यानी बींग बाजे के माध्यम से आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये राजस्थान के चार जिले हैं जो आपके सामने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपका बीकानेर देखिए सबसे कम सीमा बनाता है, और जैसलमेर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। यानी बीकानेर की बात करें तो बीकानेर तो देखिए 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद भी देखिए गंगानगर की बात करें तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर आपका देखिए 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर देखिए कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 464 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो काउंट करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी 1,070 किलोमीटर जो राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा तो देखिए आपके सामने कौन सा जिला बना रहा है, जैसलमेर जिला। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा देखिए आपके सामने कौन सा जिला बना रहा है, बीकानेर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में देखिए पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य के साथ यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ से पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य के साथ देखिए आपके सामने एक तो गंगानगर जिला है वो राजस्थान का देखिए सीमा बनाता है। और यहाँ से बात करें
तो यहाँ पर आपके सामने जिला आता, देखिए हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ की बात करें और गंगानगर की बात करें तो ये राजस्थान के दोनों ही जिले ऐसे हैं जो पंजाब के साथ में, देखिए आपके सामने 89 किलोमीटर की ये सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर देखिए आपके सामने पंजाब राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के साथ यानी पंजाब है वो सबसे कम सीमा बनाता है। लेकिन अगर राजस्थान में देखिए अगर गंगानगर जिले की बात करें तो ये गंगानगर जिला देखिए यहाँ से पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और यहाँ से पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। क्योंकि गंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर जिले में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है हिंदुमल कोट, ठीक है। अगर इसे हिंदुमल कोट की बात करें तो ये हिंदुमल कोट आपका गंगानगर जिले का भाग है, और यहाँ से लेकर के देखिए बाखासर की बात करें तो ये बाखासर जो क्षेत्र है ये आपका साहगढ़ में आता है, ठीक है, साहगढ़, ठीक है। यानी बाखासर साहगढ़ की बात करें तो ये बाड़मेर जिले का भाग है। यहाँ से हिंदुमल कोट से लेकर बाखासर साहगढ़ बाड़मेर तक देखिए आपके सामने ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आती है जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में पंजाब राज्य की सीमा देखिए दो जिलों के साथ लगा दी अपन ने पंजाब राज्य के साथ। उसके बाद यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ में राजस्थान के देखिए इधर वाले जिले सारे के सारे सीमा बनाते हैं। अगर राजस्थान के देखिए ऐसे जिलों की बात करें जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं तो सबसे पहला जिला देखिए आपका कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला था आपके सामने चोरू। चोरू के बाद में बात करें तो चोरू के बाद में जिला था आपका झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में जिले की बात करें तो वो जिला था आपका सीकर। सीकर के बाद में बात करें तो सीकर के बाद में आता है आपका जयपुर, और जयपुर के बाद में आपका जिला आता है यहाँ पर अलवर, और अलवर के बाद में यहाँ से जिले की बात करें तो वो जिला आता है भरतपुर। यानी यहाँ से हनुमानगढ़ की बात करें, चोरू की बात करें, चोरू के बाद में झुंझुनू की बात करें, उसके बाद में सीकर जिले की बात करें, जयपुर जिले की बात करें, अलवर जिले की बात करें और भरतपुर जिले की बात करें तो यहाँ से आपके सामने राजस्थान के देखिए ये 7 जिले आ रहे हैं। यानी राजस्थान के 7 जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सारे के सारे जिले वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं तो यहाँ से ध्यान रखेंगे हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ में कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं तो याद रखेंगे 1262 किलोमीटर की ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगर इन 7 जिलों में से सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा देखिए आपके सामने कौन सा जिला सीमा बनाता है तो याद रखेंगे हनुमानगढ़ जिला है, ये हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा आपका देखिए कौन सा जिला बनाता है तो जयपुर जिला, यानी जयपुर जिला हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाता और हनुमानगढ़ है ये देखिए हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए यूपी की बात करें तो यूपी के साथ में यानी राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं तो राजस्थान के आपके सामने देखिए 2 जिले आते हैं जिसमें एक जिला तो आ जाएगा भरतपुर, और दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला आ जाएगा आपके सामने धौलपुर। यानी धौलपुर जिले की बात करें और भरतपुर की बात करें तो दोनों जिले आपके सामने देखिए किसके साथ सीमा बना रहे, यूपी के साथ, और यूपी के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं तो याद रखेंगे 877 किलोमीटर, ठीक है। यानी भरतपुर धौलपुर है ये यूपी के साथ 877 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भरतपुर, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा कौन बनाता है, धौलपुर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भरतपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान रखें कि भरतपुर जिला है ये आपके सामने देखिए इधर से हरियाणा के साथ, यानी भरतपुर जिला है ये आपका देखिए इधर से हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है, और इधर से देखें तो आपके सामने यूपी के साथ सीमा बना रहा है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिला देखिए इधर तो पंजाब के साथ सीमा बना रहा है,
और इधर से देखा जाए तो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ में यानी राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो यहाँ से राजस्थान के आपके सामने देखिए कुल 10 जिले आते हैं। ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इन 10 जिलों की बात करें तो 10 जिलों में देखिए सबसे पहला जिला तो आ जाएगा आपका धौलपुर जिला। धौलपुर जिले की बाद में बात करें तो नाम आता है आपके सामने करौली जिले का। ठीक है, यानी धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में करौली, और करौली से इधर देखें तो नाम आ जाएगा आपके सामने सवाईमाधोपुर, यानी सवाईमाधोपुर जिला, ये भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इधर से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला था देखिए कोटा, ये कोटा जिला है वो देखिए आपके सामने इधर से भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और यहाँ से भी देखिए मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद में कोटा के बाद में इधर से बात करें तो यहाँ से आपका देखिए बारा जिला है, ये भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से बात करें तो यहाँ से झालावाड़ जिला, ये भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, झालावाड़ के बाद में यहाँ से बात करें तो यहाँ पर जिला था आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से ऊपर यहाँ से बात करें तो यहाँ पर जिला था आपका भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा जिले की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो ये भी आपका देखिए किसके साथ सीमा बनाते हैं, एमपी के साथ। चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ से जिले की बात करें तो वो जिला आ जाएगा आपका प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ से जिले की बात करें तो वो जिला आपका कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला, प्रतापगढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, भीलवाड़ा जिला, उसके बाद में झालावाड़, बारा, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ये राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जो आपके सामने एमपी के साथ है। ये 1600 किलोमीटर की यानी सर्वाधिक सीमा बनाता है, और वो सीमा भी कौन सी, अंतरराज्य सीमा, यानी मध्य प्रदेश है ये राजस्थान के साथ, यानी 1600 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है, और इधर से पंजाब है वो सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। उसके बाद में देखिए अगर झालावाड़ जिले की बात करें तो ये झालावाड़ जिला है, ये एमपी के साथ यानी सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और यदि भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा जिला है, ये मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ से बात करें तो यहाँ पर देखिए जिला कौन सा है, धौलपुर, ये धौलपुर जिला आपके सामने यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, और इधर से आपके सामने एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य के साथ में राजस्थान के देखिए कौन कौन से जिले वो सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले जिला तो आपका देखिए कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा जिला। ठीक है, और बांसवाड़ा जिले से ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके सामने जिला आ जाएगा देखिए डूंगरपुर। ठीक है, और डूंगरपुर से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला आ जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर जिला आ जाएगा आपके सामने सिरोही, यानी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद में आपका उदयपुर है, उदयपुर के बाद में आपका सिरोही है, सिरोही के बाद में आपका जिला आता है जालोर, और जालोर है ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ से देखा जाए तो आपका बाड़मेर जिला है, ये अंतर्राज्य सीमा बनाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के देखिए कितने ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से आपके सामने 6 जिले ऐसे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये आपके सामने 6 जिले गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा तो देखिए आपका उदयपुर जिला बनाता है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा आपका कौन सा जिला बनाता है, बाड़मेर जिला। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ से आप बांसवाड़ा जिले की स्थिति ध्यान रखेंगे कि बांसवाड़ा जिला है ये राजस्थान का ऐसा जिला है जो यहाँ पर गुजरात के साथ अंतर्राज्य सीमा बना रहा, इधर से देखें तो मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्य सीमा बना रहा, और इधर से बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिला इधर से पाकिस्तान के साथ, और इधर से देखिए गुजरात के साथ।
यहां पर ये अंतरराज्य सीमा बना रहा, तो पाकिस्तान के साथ में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। उसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि राजस्थान के आपके सामने देखिए दो जिले, उन दो जिलों की बात करें तो दो जिलों में एक जिला तो है आपका देखिए बाड़मेर और दूसरा जिला है आपका गंगानगर। यानी गंगानगर और बाड़मेर दो ही जिले ऐसे हैं जो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य ये दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से बाड़मेर के बारे में पूछा जाए तो ये गुजरात के साथ तो देखिए अंतरराज्य सीमा बना रहा है और पाकिस्तान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इधर से गंगानगर की बात करें तो गंगानगर देखिए यहाँ से पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा और इधर से पंजाब के साथ में अंतरराज्य सीमा बना रहा है। तो यहाँ से जब आप देखिए काउंट करेंगे तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी कि राजस्थान के देखिए ये चार जिले हैं, ये चार जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। बाकी आप गंगानगर से शुरू करने के बाद में यदि बाड़मेर तक पहुंच जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये कुल 23 जिले आएंगे और ये 23 जिले आपके सामने देखिए अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। और कुल अगर जिलों की बात करें तो कुल जिले आपके सामने 25 हैं, ये 25 जिले आपके सामने देखिए स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिए कि राजस्थान में देखिए आपके सामने 8 ऐसे जिले हैं, यानी राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो न तो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही आपके सामने अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। उन जिलों की बात करें तो देखिए वो जिले कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जिला कौन सा आता है, नागौर जिला। और नागौर से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला आ जाएगा अजमेर जिला। यानी नागौर की बात करें, अजमेर की बात करें, नागौर से इधर देखा जाए तो आपके सामने देखिए जोधपुर जिले की बात करें, जोधपुर जिले की बात करें, जोधपुर से नीचे देखा जाए तो यहाँ से आपके सामने पाली जिले की बात करें, पाली जिला, पाली से इधर देखें तो आपके सामने राजसमंद जिला, ठीक है। उसके बाद में अजमेर से इधर की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए टोंक जिला आता है, टोंक से नीचे देखा जी तो यहाँ से आपके सामने बूंदी जिला आता है। यानी टोंक की स्थिति यहाँ पर आ गई, उसके बाद में बूंदी की स्थिति आ गई और यहाँ से देखा जाए तो आपके सामने जिला आ जाएगा दौसा, ठीक है। यानी यहाँ से राजस्थान के 8 जिले निकल कर आएंगे और ये 8 जिले आपके सामने नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उसके बाद में अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा, ये 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और ना ही अंतर्राज्य सीमा बनाएंगे। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो राजस्थान का जो पाली जिला है, ये पाली जिला सबसे ज्यादा 8 जिलों के साथ है, ये अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। यानी आपके सामने देखिए यहाँ पर पाली जिला है, ये सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है और 8 जिलों के साथ ये सीमा बनाएगा। देखिए पाली जिले की बात करें तो पाली के साथ में यानी कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है और उन जिलों की बात करें तो जिले आते हैं आपके सामने कितने, 8। और इन 8 जिलों को याद करने के लिए आप सूत्र याद रखेंगे और वो सूत्र है आपके सामने ना जाऊं 12 जो ऐसी। देखिए यहाँ से पाली जिले की बात करें तो पाली जिले के साथ राजस्थान के 8 जिले हैं वो देखिए आपके सामने सीमा बनाते हैं और इन सीमा को याद करने के लिए आप सूत्र ध्यान रखें कि ना जाऊं 12 जो ऐसे। तो यहाँ से देखिए ना का मतलब तो आपको याद रखना है नागौर जिला, ना का मतलब तो क्या याद रखना है नागौर जिला, जा का मतलब आपको याद रखना है जालौर जिला और ऊ का मतलब आपको याद रखना है उदयपुर जिला और यहाँ पर बा का मतलब आपको याद रखना है बाड़मेर जिला। उसके बाद में रा का मतलब आपको याद रखना है राजसमंद जिला। तो उसके बाद में जो का मतलब आपको याद रखना है जोधपुर जिला और ए का मतलब आपको याद रखना है अजमेर जिला और सी का मतलब आपको याद रखना है सिरोही जिला। तो ये राजस्थान के आपके सामने 8 जिले हैं, ये 8 जिले पाली के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान के भी कुछ जिले आते हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इधर से पंजाब के जिले आते हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इधर से हरियाणा के जिले आ जाएंगे वो सीमा बनाते हैं, इधर से यूपी के आ जाएंगे वो भी देखिए सीमा बनाते हैं, इधर से मध्य प्रदेश के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इधर से गुजरात के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और उन जिलों को पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को आप देखते रहेंगे। हाँ, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।